नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। बिंदास भोजपुरिया पे गुंजन सिंह का एक इंटरव्यू देखे भैया, जिसमें गुंजन सिंह पक्षपात कर रहे हैं, अपना जाति का सपोर्ट कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, और गुंजन सिंह उस इंटरव्यू में बोल रहे हैं जातिवाद करना गलत बात है। इतिहास मशीन खेसारी लाल यादव ने जब पवन सिंह को कुछ बोला, उसमें एकदम ज्ञान देने चले आए गुंजन सिंह, तो रितेश पांडे, फलानवा, ढिमक, बहुत सारे लोग ज्ञान देने चले आए। उसके बाद भैया आप समझ सकते हैं, जब यादव जी के बेटी के ऊपर गाना गाया, इस पे कोई स्टार नहीं बोला, एकदम सब सन्नाटा, सबको सांप सूंघ लिया। अरे गुंजन सिंह जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि खाली आपका गाना सिंघे लोग सुनते हैं क्या? यादव जाति के लोग नहीं सुनते हैं क्या? सभी जाति के लोग आपका गाना सुनते हैं, ठीक है? सभी जाति के लोग आपका गाना सुनते हैं, और आप जो बोल रहे हैं एक अहिर पूरा अहिर को बदनाम कर दिया, आप ये भी बात बोल सकते थे एक राजपूत पूरा राजपूत को बदनाम कर दिया, ठीक है? क्योंकि गलती दोनों की है, और संतोष रेणु जेल जाने का कारण है, उसको थाने से शायद कॉल आया तो वो चले गए, ठीक है? और जिसका आप चमचाई और दलाली कर रहे हैं, वो घर से भागल है भैया, आपको पता कीजिए तो नहीं जाके, वो घर से भागल है। जो गलती किया संतोष रेणु, तो वहां फालतू आदमी, तो बात हम जान रहे हैं, ठीक है? संतोष रेणु फालतू आदमी है। पवन सिंह के बारे में क्या बोला नहीं बोला ये तो नहीं कर सकते, वो तो बोला कि पवन सिंह का इसमें हाथ है, कौन सांसद का हाथ है, ठीक है? आप गुंजन सिंह ने एक बात भैया ठीक बोला कि वो पवन सिंह का नाम ले रहा है, तो पवन सिंह उसको क्यों अंडा डालेंगे? पवन सिंह अंडा डाले ना डाले इससे आपको मतलब नहीं है भैया। पवन सिंह संतोष रेणु को अंदर घुसा भी सकते हैं, नहीं भी घुसा सकते, ये उनका मैटर है। लेकिन गुंजन सिंह ने एक बात सच कहा कि वो सबको बोल देता है, मोबाइल उठाया जिसको तो उसको बोल देता, ये बात हकीकत है। लेकिन गुंजन सिंह ने भैया उस इंटरव्यू, अब जो उस इंटरव्यू को देखिएगा आप, तो सिर्फ और सिर्फ पक्षपात किया है, ठीक है? जो घर से भागल है उसको पुलिस ढूंढ रहा है, ये बात हम नहीं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि 24 घंटा में पकड़ने का वादा किया पुलिस ने, उनको नहीं पकड़ा गया, घर से फरार है, और उन लोगों का भैया वीडियो भी नहीं आ रहा, आप देखे होंगे। हम तो इस वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि संतोष रेणु यादव का गलती है ही, क्योंकि ना ही इधर का है ना ही उधर का है, वो सिर्फ गाली दे देकर के भैया चमका कि भोजपुरी में, हमको लगता खाली वो पवन सिंह छुड़ा करके सबको गाली दिया होगा, और लाइव में बोल रहा कि पवन सिंह को भीतर घुसाया। लेकिन गुंजन सिंह आपसे को ये कहना है कि आप पक्षपात वाला बोली मत बोलिए सर, जब गलती दोनों है, दोनों का है, तो दोनों को बोलिए आप, ठीक है? खाली अहिरान अहिरान कर रहे हैं, बाबूगान कहाँ चल गया है? गलती दोनों का है, जब गलती दोनों का है तो भैया घर से फरार काहे है? पुलिस उसको ढूंढ रहा है तो घर से फरार काहे है? जब बोलना है तो दोनों को बोलिए, क्योंकि आपको जाति के सभी जाति को लोग सुनते हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे बबुआन हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, पांडे, मिश्रा, तिवारी, कोई भी जात हो, सभी लोग आपको गाने, आपके गाने को सुनते हैं, ठीक है? और कलाकार का कोई भैया जात और पात नहीं होता है, ठीक है? कलाकार का कोई जात पात नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों को पक्ष, अभी नहीं खाली संतोष रेणु का गाली सुने होंगे, उसका भी गरिया सुने होंगे, बबुआनों वाला गाने सुने होंगे, जो उन्होंने लालू यादव को, राबड़ी देवी को बोला है, उनका भी सुने होंगे आप, खाली संतोष रेणु का नहीं सुने होंगे। तो बस गलती देना है तो दोनों को दीजिए, ठीक है? हमारा ये कहने का मतलब है, ये वीडियो मेरा बनाने का साफ सब ये मतलब है, कोई भी लोग इंटरव्यू दे रहा है, गलती दोनों का है तो दोनों को बोलिए ना, अपना सिंह है गुंजन सिंह है तो आप अपना जातिवाद कर रहे ऐसा मत कीजिए। बाकी जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कह रहा है क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।